आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इनहेलर्स बेटर होते हैं या टैबलेट्स बेटर होती हैं अस्थमा के मैनेजमेंट के अंदर। टैबलेट के अंदर क्या होता है, टैबलेट जब आप यूज करते हैं तो टैबलेट पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन के थ्रू जाती है। अब उससे होता क्या है कि जरूरत तो उसकी लंग्स में है लेकिन वो और जगह भी सर्कुलेट होती है, जिसकी वजह से वो जहां जहां जिस जिस पोर्शन में पहुंचती है वहां पे भी उसका कुछ इफेक्ट क्रिएट करती है, उससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी ओर, इनहेलर्स कैसे काम करते हैं। जब भी आप इनहेलर को लेकर शेक करके आप यूज करते हैं तो इनहेलर टैबलेट सेक्शन की तरह पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं होता ब्लड स्ट्रीम से, ये डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे ही काम करता है, ये सीधे लंग्स में इसकी मेडिसिन जाती हैं और लंग्स में जाने के बाद अपना जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो देती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनहेलर यूज करने से क्या होता है, जो इनहेलर्स के अंदर जो दवाई यूज होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होती है और बिल्कुल टारगेट ऑर्गन पे जाकर ही काम करती है। लेकिन इस इनहेलर्स की कंडीशन के अंदर ये साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इनहेलर्स डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाते हैं जहां पे जो एक्शन रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो काम जिसको करना है वो लंग्स के लेवल पे ही करना है, तो लंग्स पे पहुंच जाती है डायरेक्ट दवाई, लंग्स के अंदर जाती है। इनहेलर्स के अंदर जो मेडिसिन होती है वो माइक्रोग्राम्स में होती है। अब माइक्रोग्राम और मिलीग्राम का अगर आप डिफरेंस जानना चाहें तो सीधा सिंपल फंडा है, 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं। तो आप कई बार इनहेलर लेंगे तब भी एक टैबलेट के बराबर वो मेडिसिन नहीं होगी। हालांकि ऐसा ना करें, कभी दोनों को कंपेयर ना करें, दोनों को डोज इस तरीके से ना लेने लगे कि भाई ये कम होती है तो मैं इसको ज्यादा बार ले सकता हूं। लेकिन एक बताने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि इनहेलर्स की कई बार लेने के बाद भी एक टैबलेट के बराबर उसकी डोज नहीं हो पाती, क्योंकि ये मिलीग्राम और माइक्रोग्राम के जो डोज के अंदर अंतर है वो टैबलेट और इनहेलर्स के अंदर अलग अलग होता है। और इसमें मेन चीज क्या है, इनहेलर्स कम डोज में ज्यादा आराम पहुंचाते हैं और वो भी बिना साइड इफेक्ट के, वेयर एज टैबलेट्स ज्यादा डोज लेनी पड़ती है और वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने के बाद आपके लंग्स के अंदर भी जाती है, जिससे वो आराम पहुंचाती है, लेकिन इसकी डोज ज्यादा लेनी पड़ती है। तो फाइनली अगर आप देखें तो इनहेलर्स कम डोज में ज्यादा आराम पहुंचाता है और वो भी कम साइड इफेक्ट के साथ। तो टैबलेट और इनहेलर के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो और अगर आपके डॉक्टर ने आपको इनहेलर प्रिस्क्राइब किया है तो बेटर यू गो विद द इनहेलर, टैबलेट से ज्यादा बेटर है। और इसी तरीके के मेडिकल रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। बाय बाय।